हेलो एवरीवन एंड दिस वीडियो वी गोइंग टू टॉक अबाउट द स्लॉट थ्री. ओके सो स्लॉट थ्री का जो ओके या सो स्लॉट थ्री का पूरा हमने डिटेल्ड ओके टॉपिक वाइज एनालिसिस निकाला है. ओके आई स्पोकन टू स्टूडेंट्स. ओके माई स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली हैव गिवन द एग्जाम्स बिकॉज मैंने तो कल अपना स्लॉट वन में दे दिया और आपके साथ पूरा डिटेल और क्वेश्चन के साथ साथ मैंने डाल दिया था पहले से. ऑलराइट सो लेट्स गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस. ओके क्या क्या अलग हुआ है कम्पेयर टू स्लॉट वन स्लॉट टू. ऑलराइट सो पहली बात ओवरऑल पेपर ने डिफ़िकल्टी लेवल चेंज नहीं किया है और ये हम देखते हैं यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स. ओके कि बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ज़्यादा कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं चेंजेस नहीं आते हैं. तो यार ये स्लॉट वन जो था ठीक है स्लॉट वन में थोड़ा ये पजल तब भी थोड़ा इजी की तरफ आई थी या मैं कहूँ मॉडरेट लेवल पे आई थी. बट स्लॉट थ्री ने इसको जस्ट लाइक स्लॉट टू स्लॉट टू भी टफ था. ओके ये भी टफ आया. सो पजल्स काफ़ी टफ आई हैं ठीक है और काफ़ी ज़्यादा पजल्स भी आई हैं. तो आई गेस ओवरऑल अराउंड सम 40 क्वेश्चंस वर देयर ऑन पजल्स इटसेल्फ. ओके प्लस माइनस 5 कर लो आप. तो इतने कुछ क्वेश्चंस पजल्स पे आए हैं. ट्रेडिशनल लॉजिक इजी आया है. ओके एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इज टफ. ओके बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. सो अगर आप स्मार्ट इनफ हो कि आपको लग रहा है कि यार आपको कहाँ पे बार्गेन करना चाहिए. ओके आपको यहाँ का टाइम यहाँ देना चाहिए क्यों आप कर सकते हो. जिसने यहाँ पे टाइम दिया है उन्होंने ये चीज़ सॉल्व भी किया है. सो आई एम नॉट गोइंग टू से दैट कि ये सॉल्वेबल नहीं था. दिस डेफिनेटली सॉल्वेबल. ओके ये डुएबल था ये. ओके बट टाइम कंज्यूमिंग था. तो अगर आपने टाइम नहीं दिया तो डेफिनेटली आपको डुएबल नहीं लग रहा होगा ये. एंड दैट इज़ वन ऑफ द गेम चेंजेस ऑल्सो हियर. ओके सो जस्ट लाइक एनी अदर स्लॉट. ओके सो कॉन्स वॉज ईजी. ओके ईजी टू मॉडरेट लेवल पे था. सो कॉन्स लोग कर पाए हैं. इसको हम लोग एक्चुअली वर्बल को मैं मॉडरेट टू टफ इसलिए बोलूँगा कि ये न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे इस बार दे रहे हैं यार ये लोग. ओके ये न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस बच्चे इसमें इतना फेमिलियर नहीं होते तो इसके लिए उनको थोड़ा वो टफ की तरफ जा सकता है. बट समवन हु इज़ गुड विद हिज रीडिंग स्किल्स एंड इज़ गुड विद हिज इंग्लिश यूजेज ही विल फाइंड इट ईजी टू मॉडरेट लेवल ओनली. ओके ऑलराइट सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग. सो ये आपका पूरा वो है. ओके कितने कितने क्वेश्चंस किस किस टॉपिक पे आए थे. सो पैरेलल अरेंजमेंट प्लस रिलेशनशिप्स आ गया ठीक है. ये आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके दिस इज एंटायर पजल्स. ओके दैट हैज़ कम. ओके ये इतने इतने अलग अलग टाइप्स की पजल्स थी और काफ़ी ट्रिकी पजल्स थे. ओके थोड़ा बहुत जो लोग कर पाए. ओके कुछ लोगों को ये आपको इजी लगा होगा. ओके ये आप कर पाए रहोगे. ये बहुत डिफ़िकल्ट था. ये भी डिफ़िकल्ट था. ओके सो ये इजी पजल था. ओके ये आप डायरेक्शन सेंस वाला कर सकते हो ठीक है. तो इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ बहुत बन रही थी. दैट्स वाई पीपल मस्ट हैव फाउंड इट लिटिल डिफ़िकल्ट. बट आई थिंक इसके अंदर से अगर आपने दो से तीन सेट भी अगर आपने कर लिए ठीक है तो आपने बहुत अच्छी जगह पे आप खड़े रहोगे. ओके मेरे हिसाब से अगर दो से तीन सेट आपने राइट कर दिया अगर तो. ओके सो ये ओवरऑल आपके हैं अलग अलग. ओके इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट पजल्स विच हैड कम. ओके ये आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है वो ट्रेडिशनल लॉजिक दिया हुआ है. और इसके अंदर एक नई चीज़ है ये इनपुट आउटपुट. इनपुट आउटपुट अब तक पहले के दो स्लॉट्स में इनपुट आउटपुट नहीं आया था बट यहाँ पे इनपुट आउटपुट आ गया है. बट इनपुट आउटपुट कुछ ज़्यादा डफ नहीं आया. ये कोई ईजी ही इनपुट आउटपुट आया था बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ वर्ड्स. ओके लेंथ ऑफ वर्ड्स के हिसाब से बेसिस था और जो नंबर था. ओके उसको शायद प्लस वन करके अरेंज करना था पीछे से आगे से ऐसा कुछ तो था. ओके सो इट वाज अगेन समथिंग विच इज इजी टू डू. ओके क्रिटिकल रीजनिंग ये जो 11 क्रिटिकल रीजनिंग आई है. ओके अगेन जस्ट लाइक द प्रीवियस स्लॉट्स. ओके यहाँ पे उन्होंने वो रीजनिंग वाली चीज़ दी थी. ओके कि विच ऑफ द रीजन इज बेस्ट सुटेबल फॉर दिस एंड ऑल दैट. आपको ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो टिपिकल कोर्स ऑफ एक्शन होता है ओके वो नहीं आया जस्ट लाइक प्रीवियस स्लॉट. आपको कॉज एंड इफेक्ट नहीं आया. ओके अजम्पशंस के क्वेश्चन नहीं आए. तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा न्यू चीज़ दी इस तरीके की ज़्यादा क्वेश्चन आए थे. तो ये थोड़ा न्यू पैटर्न था. ओके इस चक्कर में भी यहाँ पे थोड़ा लोगों का स्कोर नीचे जा सकता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल ऑफ दिस ओके कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शंस एंड सिलॉजिज्म डेटा सफिशिएंसी ये सारी चीज़ें बहुत ईजी आई थी. तो आप सो व्हाट वी आर लुकिंग एट कि अगर आपको 35 क्वेश्चंस के आसपास अगर ट्रेडिशनल लॉजिक आया था समझिए आपको ट्रेडिशनल लॉजिक अगर आपको सॉरी ओके ट्रेडिशनल लॉजिक अगर आपको आया था 35 क्वेश्चंस तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ 32-33 तक मार्क्स लेके आ सकते हो इसके अंदर से ठीक है. सो ये चीज़ देखी गई. तो अगर कोई बंदा यहाँ पे इतना कर लेता है और यहाँ से दो सेट भी कर लेता है तो वो आराम से 45 के आसपास तक LR सेक्शन में ले आएगा. और LR में अगर आपको मेरे हिसाब से 45 तक भी आ गया सो आपके JB के लिए एक अच्छा स्कोर हो जाएगा. ओके दिस इज़ द मेन थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर फ्रॉम द LR सेक्शन. ओके
ओके ये मैंने फिर वही चीज़ बोली, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग है बट सॉल्वेबल. ओके आई नो सम पीपल आर गोइंग टू कमेंट डाउन देयर सेइंग दैट कि सर आप क्या बोल रहे हो, सॉल्वेबल था ही नहीं एंड ऑल ऑफ दैट. सो गाइज मैं आपको पहले से बोल दे रहा हूँ ये टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स ज़्यादा थे. ओके नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर मोर. ओके सो दैट्स वाई पीपल फाउंड इट डिफिकल्ट एंड ऑल दैट. मैंने यही कहा, यही आपको स्ट्रैटेजी एग्जाम में बनानी पड़ती है कि अगर कोई चीज़ टफ आई है या कोई चीज़ टाइम कंज्यूमिंग है तो आप क्या चूज़ करोगे बिटवीन द टू. ओके अगर मुझे दिख रहा है कि पजल्स को मैं टाइम डालने के बाद भी नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, उससे अच्छा है कि मैं टाइम एब्स्ट्रैक्ट में डालता हूँ, वहाँ पर मैं सॉल्व कर सकता हूँ. तो ये चीज़ जिन्होंने किया होगा उनके लिए बहुत 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 बड़ा एक एडवांटेज रहा होगा उनके लिए. ठीक है तो अच्छा वन थिंग डिफरेंट वॉज कि इस बार डिससिमिलर पूछा था और नॉट सिमिलर पूछा था. ठीक है पहले के स्लॉट्स में सिमिलर वाले रिलेशनशिप पूछे थे, इस बार ये बट ये एक चीज़ हो रही कि यहाँ पे ऑड मैन आउट यहाँ पे भी नहीं आया जस्ट लाइक द प्रीवियस स्लॉट्स, क्योंकि यहाँ पे भी ऑड मैन आउट नहीं आया. तो यस दिस इज इट. ओके और इसके अंदर अगर आप 20 तक स्कोर करते हो तो इट इज़ अ वेरी गुड स्कोर. ओके 18 तक मेरे हिसाब से एक डिसेंट स्कोर होगा. ठीक है 20 तक उन्होंने अपने कर दिया तो अच्छा खासा आपका स्कोर बूस्ट हो सकता है. और राइट कॉन्स वॉज ओवरऑल ईजी. ओके सो ये हमको ईजी कोई तरफ ही मैं बोलूँगा. ठीक है बिकॉज आपके ये जो एरिथमेटिक के क्वेश्चन आए यहाँ पे कुछ पीएनसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ गए, मॉडर्न मैथ्स पे दो क्वेश्चन आए थे. ठीक है तो ये आपका बड़ा अच्छा एक वो चला गया. यहाँ पे आपके अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन जस्ट लाइक जो पहले के स्लॉट्स में भी आया. ठीक है बॉर्ड मास वाले नंबर सीरीज फिर से कॉन्स में आई. ओके सो नो सरप्राइजेज दिस टाइम. ओके आई थिंक पीपल हु मस्ट हैव गॉन थ्रू आर प्रीवियस एनालिसिस ओके ऑफ स्लॉट वन एंड स्लॉट टू, उनको इसके हिसाब से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिखा होगा पेपर में. ठीक है काफ़ी हद तक सिमिलर पेपर ही है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला डेटा कंपैरिजन आया. ओके जो अलग से डेटा कंपैरिजन आया क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू वाला ये भी था. आउट ऑफ दिस ओके दिस वाज अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग बट ये दो सेट इजी थे. ओके जो टेबल वाला सेट था जो लाइन ग्राफ वाला था ओके ये थोड़ा इजी था. केसलेट्स वाला थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था तो आप हो सकता है कि आपने ये नहीं किया हुआ, मेरे हिसाब से नॉर्मल है. ठीक है बट क्योंकि बाकी चीज़ें ओवरऑल इजी थी तो आई थिंक अ स्कोर ऑफ 40 इन दिस ओके इज अ गुड स्कोर. ओके दैट यू शुड एम एट. ओके 40 तक मेरे हिसाब से जनता जेबी वाली जनता तो आराम से 40 तक इसके अंदर स्कोर कर लेगी. ओके अब आता है लास्ट में वर्बल वाला पार्ट. ओके लॉट ऑफ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर. ओके सो दिस कैन बी अ रीजन ऑफ पीपल गोइंग डाउन ऑन स्कोर्स हियर. ओके वरना अगर आप मुझे बोलोगे सर डिफिकल्टी लेवल कैसा था, डिफिकल्टी लेवल ईजी था. ठीक है बट क्योंकि टाइप चेंज कर दिया तो बच्चे उसके लिए प्रिपेयर नहीं होंगे और उस चक्कर में थोड़ा आपका स्कोर डाउन हो सकता है. ठीक है मैच द फॉलोइंग यहाँ पे भी ट्रिकी था. ठीक है लाइक यहाँ पे भी कुछ दो ही कॉलम थे बट ट्रिकी तरीके से उन्होंने दिया था. ओके पैरा जंबल्स आए थे. वन न्यू थी जैसा भी मैं आपको न्यू बताता हूँ न्यू क्या था. ठीक है जैसे कि मल्टीपल यूजेज ऑफ सेम वर्ड. ओके ये वाली जो चीज़ थी ये न्यू थी, मतलब कि जैसे एक वर्ड दिया हुआ है और उस वर्ड के ऊपर उन्होंने उसके अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ड यूज़ किए हैं एक पर्टिकुलर पैसेज में और आपको देखना है कहाँ पे वो वर्ड सही फॉर्मेट में यूज़ हुआ है, कहाँ पे उसका नाउन फॉर्म सही यूज़ हुआ है, कहाँ पे उसका एडवर्ब फॉर्म सही से यूज़ हुआ है. इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है विच इज़ अ रिलेटिवली न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके ये कनेक्टर यूजेज वाला जो क्वेश्चन है ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है. ओके ये ज़्यादातर नहीं देखा जा रहा था अब तक इन द प्रीवियस ईयर ऑफ सीईटी पेपर. सो कनेक्टर यूज वॉज अ डिफरेंट ओके काइंड ऑफ क्वेश्चन. ओके फिर पैरा जंबल्स के अंदर भी कुछ अलग चीज़ें उन्होंने वैसे करी थी, जैसे कि उन्होंने एक चीज़ को फिक्स रखा और कोई भी वो शायद सेकेंड वाले को थर्ड वाले को ओके और बाकी चीज़ों के ऑप्शंस दिए हुए थे. ठीक है कि बाकी सेंटेंस के सीक्वेंस क्या होगा और हर बार एक अलग पैरा जंबल था तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग गया बट क्योंकि उन्होंने दिया हुआ था कि कौन सा वाला फिक्स्ड है इसलिए वो थोड़ा ईजी बन रहा था. ठीक है करने के लिए सो ये उस हिसाब से है. जस्ट लाइक प्रीवियस टू सेक्शन ओके दो ही आरसी आए यहाँ पे और आपका टोटल मिला के एक 15 क्वेश्चन आरसी में मरे. ओके सो आई थिंक ज़्यादा आरसी के ऊपर वेटेज नहीं था तो इट इज़ गुड साइन. ओके वरना यूजली 3 या 4 आरसी जो 3 आरसी से कम प्रीवियस ईयर तक आते थे उन्होंने एक कम कर दिया. नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे हिसाब से मोटा मोटा उतना ही है. ठीक है नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए उन्होंने इंडिविजुअल आरसी, टोटल तो उतना ही है. ठीक है सो दिस बिकॉज ऑफ द न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन एज आई डिस्कस ओके थोड़ा यहाँ पे डाउन जा सकता है 35 से 37, 38 तक आप सोच सकते हो. ठीक है यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी दिस सो आई एम गोइंग टू गिव यू लाइक द गुड अटेम्प्ट्स ओके इन दिस पर्टिकुलर स्लॉट थ्री. ये स्लॉट थ्री का मैं आपसे बात कर रहा हूँ. ओके ये तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है और ये मैंने कहा कि 45 से 50 भी यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर है. ठीक है एब्स्ट्रैक्ट में ये बट मुझे लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट में जनता 20 तक ला सकती है अगर उन्होंने जिसने ये चीज़ समझ लिया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट को टाइम ज़्यादा देंगे तो क्रैक कर सकते हैं ये लोग, यहाँ पे 20 ला सकते हैं.
कौन सा डेटा इंटरप्रिटेशन वाले जो क्वेश्चन है, ओके एज आई सेड इजी सेक्शन, तो 40 इज इजीली समथिंग दैट यू कैन स्कोर हियर, ओके। और यहाँ पे अगर आप 35 तो मिनिमम है, ठीक है, बट अगर आप थोड़ा अपने मेहनत किया तो 37 38 तक भी आ सकता है। 40 इज गोइंग टू बी वेरी गुड, ओके। सो मैं 37 38 तक देख रहा हूँ, ठीक है। सो ये हिसाब से मुझे ये करीबन ये जो दिख रहा है, ये मैं अगर 145 तक बताऊँ, 145 प्लस नहीं कह रहा हूँ मैं इस सेक्शन में, बट 145 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कट ऑफ जा सकता है, ओके इस बार भी, ओके। तो ज़्यादा अगर थोड़ा कम आया तो 140 जाएगा, इस वाले सेक्शन, इस वाले स्लॉट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि स्लॉट वन जो था वो तो इजी था, तो स्लॉट वन में 145 तक जा सकता था, ठीक है। तो नॉर्मलाइज करके हो सकता है कि हम 145-140 के बीच में कहीं ना कहीं लैंड अप कर जाएं। ऑलराइट, सो लेट्स सी, ओके। मैं ओवरऑल कंपेयर कर रहा हूँ कि कौन से स्लॉट्स कैसे थे। सो मैंने यहाँ पे LR को ब्रेक डाउन भी किया है बिटवीन पजल्स एंड ट्रेडिशनल्स, ओके। सो ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो पार्ट है स्लॉट वन का, ओके सो या ये वाला पार्ट जो स्लॉट वन का है, ओके, जो मॉडरेट लेवल पे थोड़ा गया था, बिकॉज पजल्स वर रिलेटिवली सम वॉट ईजी इन स्लॉट नंबर वन, ओके। दैट इज़ द मेन रीज़न वाई स्लॉट नंबर वन का थोड़ा स्कोर ऊपर की तरफ बढ़ेगा। बाकी ये दोनों स्लॉट में जो पजल्स थे ये टफ की तरफ ही आए थे, ओके। सो ट्रेडिशनल लॉजिक, ओके, ट्रेडिशनल लॉजिक वॉज ईजी 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 एवरीवेयर, ओके। इन एब्स्ट्रैक्ट इट वॉज टफ 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 हर जगह है, ठीक है। कॉन्स में आपको मैंने देखा हर जगह ही कॉन्स ईजी आया, किसी कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि कॉन्स वो नहीं आया। और वर्बल वाला जो है मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट टू टफ, ओके। सो वन मेजर रीजन ऑफ स्लॉट वन गोइंग ईजी साइड वॉज बिकॉज ऑफ द पजल्स, में थोड़ा उनको वहाँ पे रिलीफ था कंपेयर टू द अदर टू स्लॉट्स। सो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ढंग से पजल्स टफ हो रही हैं, ढंग से एब्स्ट्रैक्ट वाला रीजनिंग टफ हो गया, ओके, वर्बल ने न्यू चीज़ थ्रो कर दी। सो ये तीन रीजन्स जो है ना, ये तीन रीजन्स जो हैं, ठीक है, ये तीन रीजन्स के चक्कर में बहुत से स्टूडेंट्स का थोड़ा मोरल डाउन हो सकता है और थोड़ा स्कोर वहाँ पे कम हो सकते हैं, यही मेन रीज़न होगा। बट अगर किसी ने टाइम मैनेजमेंट सही किया और यहाँ का टाइम बचा के यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो वो अपना स्कोर बूस्ट अप कर लेगा बाय एटलीस्ट 10 मार्क्स, ओके। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो ऑफ द डिटेल एनालिसिस ऑफ स्लॉट नंबर 3 एंड इन फैक्ट द कंपैरिजन बिटवीन स्लॉट नंबर 1, 2 and 3 ऑल्सो दैट वी हैव डन इन दिस वीडियो। सो मेक श्योर दैट यू सी दिस वीडियो और अपनी ओपिनियन जो भी है यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ओके, एंड टेल अस अबाउट इट। Okay, thank you.